तो दोस्तों बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ MCSE एंड CCNA कोर्स के बारे में कि ये जो दो कोर्स हैं इन दोनों कोर्स में बेटर कौन सा रहेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स होता है कि यार MCSA करें या MCSE और एक जो वर्सेस होता है CCNA नेटवर्किंग फील्ड का, इन दोनों में कौन सा कोर्स करें और क्या डिमांड सैलरी होती है, क्या ग्रोथ है। तो ये इस तरीके बेसिकली जो कन्फ्यूजन रहते हैं तो उसी के बारे में मैं बात करूंगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ और आप देख रहे हैं आपको अपना IT0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। दोस्तों पहले जानेंगे इनके काम के बारे में कि वर्क प्रोफाइल क्या होता है, यानी कि अगर आप MCSE कर लेते हो तो इसमें काम आपको क्या करने पड़ते हैं, एंड इसके बाद जानेंगे इसका सैलरी के बारे में और करियर ग्रोथ के बारे में। तो पहले जानते हैं थोड़ा सा काम के बारे में। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विंडोज़ सर्वर, यानी कि जो बेसिकली विंडोज़ सर्वर होते हैं उनका इंस्टॉलेशन वगैरह करना होता है। जैसे कि आप विंडोज़ सर्वर 2012 या 8 या जो भी विंडोज़ सर्वर लेटेस्ट आते रहते हैं उनका इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगर करना, यानी कि जो डेस्कटॉप यूज़र होते हैं उनको मैनेज करना, लाइक किसको पासवर्ड एक्सेस देना है, किसको नहीं देना, किसका पासवर्ड रिसेट करना है, किसको फुल एक्सेस, किसको एक्सेस नहीं देना, इस टाइप के जो काम होते हैं वो बेसिकली काम होते हैं विंडोज़ एडमिन के। एंड दोस्तों इसमें मेनली दो प्रोफाइल होती हैं जो कि काफ़ी अच्छी होती हैं, कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट एंड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। एंड दोस्तों जो इसकी सैलरी है वो US बेस्ड है डॉलर में, $98,350 फॉर द स्पेशलिस्ट ऑफ सिक्योरिटी। एंड दोस्तों जो बाकी कंपनीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए या बाकी कंपनीज़ प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो सर्वे में देखा गया है वो 28% हाइक है ग्रोथ, यानी कि जो आपकी ग्रोथ होगी वो अदर कोर्सेज के अकॉर्डिंग इसमें आपको 28% ग्रोथ मिलेगी, एक बेस्ट करियर होगा इसमें। एंड दोस्तों बेसिकली वही है, MCSE में बहुत सारे एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो आपको पास करने पड़ते हैं, लाइक और ये एक इसमें जो होता है 3 ईयर बाद एक्सपायर हो जाता है, आपको फिर से दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, इसके पहले आपको MCSE करना पड़ेगा। इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो SQL सर्वर 2012 या विंडोज़ सर्वर 2012, यानी कि अगर मैं विंडोज़ सर्वर 2012 की बात करूं तो इन तरीकों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके इंटरव्यू में पूछे जाने के लिए। एंड जो बाकी काम तो वही है, डिज़ाइन इम्प्लीमेंट मेंटेन कॉन्फ़िगर नेटवर्क एंड डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे होंगे कि MCSE में नेटवर्क कहाँ से आ गया, तो नेटवर्क का भी कुछ पार्ट आपको मिल जाता है MCSE में। दोस्तों अगर मैं बात करूं अब CCNA की, जो बेसिकली जो जाना जाता है इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क सिस्को डिवाइस, बेसिकली जो CCNA है वो इस तरीके से जाना जाता है। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं इसमें काम की, तो बेसिकली क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना जो केबल्स के थ्रू या विदाउट केबल्स के, यानी कि जो बीच का जो गैप है, यानी कि अगर केबल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जा रही है तो बेसिकली उन सब चीज़ों को मैनेज करना एक CCNA सर्टिफाइड का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, आप किसी बैंक में अगर जॉब कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि जो डेटा उस बैंक में स्टोर नहीं हो रहा है, अब वो क्या हो रहा है कि या तो वो विदाउट वायर या लाइन केबल्स वगैरह इनके थ्रू वो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब डायरेक्ट तो केबल्स जाती नहीं है, बीच में कहीं स्विच लगे होते हैं, कहीं राउटर लगे होते हैं, कहीं हब लगे होते हैं, तो उनको मैनेज करना या उनको कॉन्फ़िगर करना बेसिकली वो काम होता है CCNA का। और इसके बाद भी इसमें काफ़ी सारी प्रोफाइल होते हैं, CCNA, CCNP, CCIE जो कि एक्सपर्ट होते हैं, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना या स्विच को राउटर को जितना भी कंपनी में एक बेसिकली जो केबल्स का डिवाइसेस होती हैं वो सारा कुछ मैनेज करना बेसिकली काम होता है एक CCNA सर्टिफाइड इंजीनियर का। एंड दोस्तों इसकी जो US डॉलर बेस्ड सैलरी है वो 69,340 है। एंड अगर मैं बात करूँ करियर ग्रोथ की तो डेफिनेटली से इसमें थोड़ा सा कम ग्रोथ है, 15% आपका करियर ग्रोथ है, लेकिन एक जब आप अच्छे लेवल पे पहुँच जाओगे CCNA CCNP और CCIE एक्सपर्ट बन जाओगे तो आपको इसमें एक अच्छी खासी सैलरी ज़रूर मिल जाएगी। एंड दोस्तों इसका जो सर्टिफिकेशन कोर्स है वो भी 3 ईयर बाद एक्सपायर हो जाता है, आपको 3 साल के बाद फिर से उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको दोबारा वहाँ पे वो CCNA वगैरह करना पड़ेगा। एंड बेसिकली इन दोनों कोर्सेज में होता क्या है कि जब अपने को नॉलेज हो जाता है ना, जब प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आ जाती हैं तो फिर एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है, चाहे एक बार दिलाओ या 10 बार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको उसकी जो फ़ीस है वो पेड करनी है और एग्ज़ाम आप दे सकते हो बेफिक्र होकर। उसमें कोई ये नहीं है कि यार मुझे दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि
अपने को नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाती है तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो फिर वो निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कि दोस्तों कोर्स दोनों अच्छे हैं, आप अपने अंदर देख लो कि मुझे इंटरेस्ट किस में है, सर्वर को मैनेज करना है या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना है, वो आप देख सकते हो कि किस में जाना है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। इसके बाद भी अगर आपका कोई कमेंट्स या क्वेरी है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी मेल आईडी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से मेरी मेल आईडी फाइंड करके मुझे मेल कर सकते हो, मैं उसका भी रिप्लाई 100% दे देता हूँ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड गुड।